गाइस सरकार के बजट में एक पूंजीगत खाता होता है जिसमें वही लेन देन आते हैं जिसको सरकार कभी कभी करती है। इसमें दो प्रकार के लेन देन आते हैं, एक वो जो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां होती है, ये वो प्राप्तियां हैं जो सरकार को कभी कभी मिलती है, लेकिन ये वो प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की संपत्ति में कमी हो जाती है। जैसे सरकार ने क्या ले लिया है, सरकार ने अपनी संपत्ति बेच दी है, सरकार ने एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया है, तो इससे सरकार की संपत्ति में कमी होगी। और यही वो प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार के दायित्व बढ़ जाएंगे। जैसे सरकार ने उधार और ऋण लिए हैं तो उधार और ऋण लेने से सरकार के दायित्व बढ़ जाते हैं। तो जहां ये दोनों विशेषता है वो पूंजीगत प्राप्ति है। फिर पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं, जो सरकार कभी कभी करती है। हमारी सरकार ने आधारभूत संरचना पर, रोड पर, पुल पर जो खर्चा किया है वो पूंजीगत व्यय है जिनसे सरकार की संपत्ति बढ़ जाती है। उसी के साथ में अगर हमारी सरकार को जो लोन है, अगर हम सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, लोन का रीपेमेंट कर दिया जाता है, तो रीपेमेंट करने से दायित्व कम होते हैं। जहां ये दोनों विशेषता मिलती है उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। ये मैंने आपको अंतर इन दोनों के बीच में बता दिया है।